हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सएसआर क्लासेस। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 25 प्रॉब्लम कंप्लीट किया था रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर से, आज लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर नवीन प्रीवियस ईयर 2019-20 एंड असेसमेंट ईयर 2020-21। ये रेसिडेंट स्टेटस का फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, काइंड्स ऑफ इनकम, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, मिस्टर रतिन नवीन पाटिल हैज द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। फर्स्ट वन, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन यूरोप 1 लाख, हाफ रिसीड इन इंडिया। यानी कि एक हाउस प्रॉपर्टी है जो यूरोप में है, अदर कंट्री में है, गल्फ कंट्री में है, यूरोपियन कंट्रीज में है, जो कितना है रेंट रिसीड, कितना हो रहा है 1 लाख हो रहा है, लेकिन हाफ कहाँ पे रिसीड हो रहा है, इंडिया में हाफ रिसीड हो रहा है। तो इसलिए आंसर रेसिडेंट कॉलम फॉर यूरोप 1 लाख एंड हाफ रेसिडेंट इंडिया, नॉट अ रेसिडेंट 50,000 एंड नॉन रेसिडेंट 50,000। तो नंबर वन यहाँ पे सीरियल नंबर वन दिया गया है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन यूरोप, यहाँ पे लिखेंगे हाफ received in India, ये mention करना compulsory है, क्योंकि हम second column third column क्यों ले रहे हैं, क्योंकि half कहाँ पे resided है, India में। ठीक है, कितना है total 1 lakh for Europe residential और half कहाँ पे resided है, India में, तो 1 lakh half कितना होगा 50,000 and 50,000। next है second one दिया गया है, एग्रीकल्चर इनकम इन नेपाल, हाँ एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया ये टोटली एग्जेम्प्टेड है, फ्री है, नॉट टैक्सेबल, लेकिन अदर कंट्री एग्रीकल्चर इनकम ये टैक्सेबल है। ये कहाँ का है, नेपाल, अदर कंट्री पड़ोसी मुल्क है इंडिया का, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम आ रहा है कहाँ पे रिसीव हो रहा है, वो ये नेपाल में ही हो रहा है, इंडिया में रिसीव नहीं हो रहा है, तो सिर्फ एक ही कॉलम आएगा फॉर रेसिडेंट नेपाल कंट्री। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इनकम इन नेपाल कितना 50,000 ओनली फॉर रेसिडेंट कॉलम 50,000, इंडिया में रिसीव नहीं हो रहा है, इसलिए सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ने। नेक्स्ट थर्ड वन नंबर थ्री दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि एफडी पे जो इंटरेस्ट आ रहा है इन बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया ये डायरेक्टली तीनों कॉलम में भी टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक ऑफ इंडिया 50,000। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया अविद ही पेड 5,000 टू अनाथ आश्रम धारवाड़, वो क्या कर रहा है, दूसरा उसमें से 50,000 में से 5,000 क्या कर रहा है, अनाथ आश्रम में पेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे खर्चा नहीं, यहाँ पे जो टोटल कैलकुलेशन हमारा कर रहे हैं, टोटल इनकम, काइंड ऑफ इनकम, यानी कि इनकम जो आ रहा है वही हमको यहाँ पे लेना है, खर्चा जो भी करने दो हमको इससे कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे भी जो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि पाई टोन क्या कर रहा है, वो अनाथ आश्रम में डोनेट कर रहा है, दे रहा है, लेकिन यहाँ पे खर्चा नहीं, यहाँ पे इनकम लेना है, सिर्फ यहाँ पे देखना है कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है उसको 50,000। कहाँ का है कंपनी, बैंक इंडिया, तो तीनों कॉलम में टैक्स, इंटरेस्ट ऑन एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन इंडिया 5,000 खर्चा कर रहा है, वो कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे, डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट इन इंडिया कितना 50,000, इंडिया में तीनों कॉलम में टैक्स 50,000 फॉर रेसिडेंट, 50,000 फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, 50,000 फॉर नॉन रेसिडेंट। ठीक है, चलिए फोर्थ वन है नंबर 4, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन यानी कि जो भी हम प्रोफेशनली वर्क करते हैं उससे भी इनकम आता है, जैसे कि लेक्चरर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये टोटली क्या है प्रोफेशन है, इससे भी क्या है इनकम आ रहा है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन फ्रांस, कहाँ पे प्रोफेशन वर्क कहाँ कर रहा है, फ्रांस में, कितना आ रहा है उसको इनकम 1 लाख, बट इस प्रोफेशन इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, लेकिन इसका जो प्रोफेशन है इसको किससे कंट्रोल है, जो मेन हेड ऑफिस कहाँ पे, इंडिया का है, तो ये कंट्रोल हो रहा है टोटली इंडिया गवर्नमेंट से, तो यहाँ पे फॉर फ्रांस कंपनी है, फ्रांस रेसिडेंट फर्स्ट कॉलम एंड इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल सेकंड कॉलम, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन फ्रांस
इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन फ्रांस ब्रैकेट में कंट्रोल फ्रॉम इंडिया कंट्रोल फ्रॉम इंडिया गवर्नमेंट से कंट्रोल हो रहा है कितना रिसीव हो रहा है इसको 1 लाख फॉर फ्रांस रेसिडेंशियल 1 लाख फॉर इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल लास्ट कॉलम ये नेक्स्ट है फिफ्थ वन डिविडेंड अर्न फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड कंपनी हाँ रिलायंस ये कहाँ का कंपनी है इंडिया का कंपनी ये मैंने क्या कहा था जो भी डिविडेंड इंडियन कंपनी से आएगा या डोमेस्टिक कंपनी से आएगा तो यहाँ पे क्या है टोटली नॉट टैक्सेबल है टोटली फुल एग्जम्प्टेड है एज पर द सेक्शन नोट निकला होगा नीचे ठीक है तो यहाँ पे इंडियन कंपनी नहीं दिया यहाँ पे नेम दिया कि रिलायंस कंपनी तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे रिलायंस कंपनी इंडियन कंपनी तो एग्जम्प्टेड है रिलायंस कंपनी है रिलायंस कंपनी कहाँ का है इंडिया का है ना तो इस लिहाज से क्या है ये टोटली नॉट टैक्सेबल है टोटल फुल अमाउंट एग्जम्प्ट है तो यहाँ पे हमको फिफ्थ कॉलम दिखना होगा और तीनों कॉलम में भी डिविडेंड अर्न अगर ये नहीं दिखेंगे तो भी चल जाएगा नीचे नोट लिखना कंपल्सरी डिविडेंड अर्न फ्रॉम रिलायंस कंपनी लिमिटेड कितना है 25,000 कितने में रहने दो टोटल फुल अमाउंट क्या है एग्जम्प्टेड है इसका लिए हम नोट लिखना होगा नीचे ये टोटली इंडियन कंपनी डिविडेंड क्या है एग्जम्प्टेड है नेक्स्ट है सिक्स्थ वन रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम माइनिंग कंपनी 25,000 इन इंडिया यानी कि एक माइनिंग कंपनी है एक जो कंपनी है यहाँ से आपको रॉयल्टी रिसीव हो रहा है जो कहाँ पे इंडिया में है तो तीनों कॉलो में भी है टैक्सेबल होगा चलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्रॉस करूंगा नंबर वन नंबर टू जिस किसी को भी ये दो पॉइंट पूरा नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पैक करके देख सकते हैं बोर्ड शॉर्ट रहने की वजह से मैं बार बार अप करना चाहता हूँ रिचार्ज करना पड़ रहा है मुझे चलिए नंबर सिक्स रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम माइनिंग कंपनी इन इंडिया कहां पे इंडिया में कितना 25,000 तीनों कॉलम में इंडियन कंपनी है तीनों कॉलम में भी टैक्सेबल होगा 25,000 and 25,000 चल नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पे दिया गया है नंबर सेवन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ नेस्ले लिमिटेड इन जर्मनी यानी कि एक सिक्योरिटी नेस्ले कंपनी है जो चॉकलेट बनाती है बिस्किट बनाती है वो कंपनी से क्या सिक्योरिटीज का जो सेल करने पर सिक्योरिटीज उसका इनकम आ रहा है जो कहाँ पे जर्मनी में है ये जर्मनी है तो इंडिया का कोई कंसर्न नहीं है सिर्फ एक ही कॉल में आएगा ओनली फॉर रिसीव प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नेस्ले कंपनी सिक्योरिटीज इन जर्मनी में है कितना 25,000 सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम चलिए नेक्स्ट है एट्थ वन पास्ट अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम फ्रांस मैंने पहले ही कहा था कि जो भी पास्ट इनकम आ रहा है ये टोटल इनकम टैक्स में क्या है करंट ईयर में क्या है टोटली नॉट टैक्सेबल है एग्जम्प्टेड है तो उसके लिए हमको नीचे लिख नोट लिखना होगा एक डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी का नोट और एक पास्ट अनटैक्स इनकम का ठीक है चलिए हमको प्रॉब्लम तो कम्प्लीट हो चुका है नीचे का मैं रब करता हूँ क्योंकि नोट लिखना है यहाँ पे हम टोटल करके आंसर लिखते हैं कितना आया इसके बाद नीचे हम नोट भी लिखेंगे टोटल ये है हमारा टोटल प्रेसिडेंट का आप कैलकुलेटर पर टोटल करके लिखिए कितना आएगा आंसर
रेसिडेंट का जो टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 350,000। और नॉट अर्निंग रेसिडेंट का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 225,000। आप कैलकुलेटर पर टोटल करके देख सकते हैं। एंड नॉन रेसिडेंट का टोटल आएगा आपको 125,000। तो कैलकुलेटर भी यूज करके देख लीजिए आप आंसर करेक्ट आए हैं। या किसी को आपको डाउट रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर ले सकते हैं। अब यहाँ पे लिखना होगा हमको नो। जैसा कि मैंने कहा था कि इंडियन कंपनी डिविडेंड इंडिया में क्या है, टोटली एग्जम्प्टेड है। तो ये रिलायंस कंपनी का डिविडेंड है, इसलिए वैसे क्या है, ये एग्जम्प्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट लिखना होगा डिविडेंड फ्रॉम, क्या था वो डिविडेंड डिविडेंड और फ्रॉम रिलायंस कंपनी इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(35)। ये अंडर सेक्शन के तहत डिविडेंड क्या है, टोटली एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट हमने लास्ट का छोड़ दिया था पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम। ये पास्ट और प्रीवियस ईयर का ये भी क्या पढ़ोगे, एग्जम्प्टेड। इसका कोई सेक्शन नहीं है, सिर्फ इतना लिख देख के छोड़ देना एग्जम्प्टेड। ठीक है, तो जो हमने नहीं किया उसके लिए रीजन भी लिख दिया कि टोटली क्या है, एग्जेम्प्टेड एज पर द सेक्शन। एंड पास ऑन टैक्स का कोई सेक्शन नहीं है, सिर्फ एग्जेम्प्टेड है। उम्मीद करता हूं कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। या कोई डाउट रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और डाउट रहा तो मुझे पूछ सकते हैं। या इसी चैप्टर के रिलेटेड अगर आप और प्रॉब्लम्स का कोई डाउट रहा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का लिंक आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अगले वीडियो अगले टॉपिक में, अगले एक नए टॉपिक से अगले वीडियो में। टेक केयर, टेक केयर।